नमस्कार, मैं माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं शेख इस्माइल। आज बेला शहर में भीम आर्मी संविधान रक्षक दल तेलंगाना स्टेट प्रेसिडेंट प्रशांत भाव निमसटकर ने पत्रकार सम्मेलन लगा। इस सम्मेलन में प्रशांत निमसटकर ने कहा कि तेलंगाना राज्य में दलितों का सम्मान किया जा रहा है। सरकार दलितों के लिए नए नए योजनाएं लागू कर रही है, लेकिन बेला मंडल के खोखदुर गाँव का हाल कुछ अनोखा है। उन्होंने कहा कि दलितों को अलग किया जा रहा है, उनसे बातचीत बंद कर दी जा रही है और उनका न्योता भी स्वीकार नहीं किया जा रहा है। ये परेशानी किसी और की नहीं, हम हमारी बात कर रहे हैं। मेरे बाप दादा इस गांव के, मेरा घर बार यहाँ और मेरा खेत खलियान भी यहाँ, लेकिन कुछ दिनों से विवाद के कारण हम दलितों को दूसरी नज़र से देखा जा रहा है। हम इंसाफ की गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं, लेकिन हमारी बात कोई सुन नहीं रहा। क्या हम दलित परिवार में पैदा होना गुनाह है क्या? हमारे पास घर टैक्स पावती भी है, फिर भी हमें घर बनवाने से रोक रहे हैं। हम दरबदर किराए के घरों में भटक रहे हैं, लेकिन हमारी कोई चिंता नहीं। जो हमारा विरोध कर रहे हैं उनके जानवरों के लिए जगह है। हम तो इंसान हैं, क्या हमें जगह नहीं मिलेंगी? हम मिलजुल कर गांव में रह रहे, लेकिन चार लोगों के भड़कावे से हमें अलग कर दिया गया, ऐसा प्रशांत निमसटकर ने कहा। और कहा कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो हम भूख हड़ताल करेंगे और अनशन पर बैठेंगे। मुझे संविधान रक्षक दल तेलंगाना प्रेसिडेंट, ये पद पर मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुजन समाज और दलित समाज, एससी एसटी समाज, मुस्लिम समाज, सब समाज को मैं लेकर चलने की जब बात करता हूँ, हर जगह पे जाता हूँ, मीटिंग करता हूँ, न्यूज़ पे आता है। और यहाँ पे हम अपने संगठन का काम बढ़ाना चाहते थे, सब लोगों को एकजुट करके हम उनको लेके चलना चाहते थे। ये बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लेके ऐसे काम किए, ऐसा मेरा कहना है। हमारे पास हमारे घर के घर टैक्स पावती है, हम हमारे घर का काम करना है कर रहे थे, वो टाइम पे इन्होंने ऐसा किया। आज हम हमारा घर हमारा गांव छोड़कर यहाँ पे 3 महीने से रह रहे हैं। आज हम कहाँ जाएं? आज तेलंगाना में ये लोग, चार पांच जो लोग विरोधी है, उनका कहना ऐसा है क्या, हम तेलंगाना में नहीं रहना, हम गांव में तो नहीं पर तेलंगाना में भी नहीं रहना, ये सोचकर वो हमारे पे गलत गलत इल्जाम, गलत गलत आरोप डालकर हमारे आवाज को दबाना चाहती है। तो हम क्या करें? हमें न्याय चाहिए, हमें हमारी जगह चाहिए। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि हमारी जगह हमारे को वापस मिले। हम वो जगह पे घर बांध के हम वहाँ पे हमारे गांव में हमारे गांव वालों के साथ मिलजुल के रहना हम चाहते हैं। ये चार पांच लोगों की वजह से हम हमारा गांव नहीं छोड़ सकते। मैं तेलंगाना सरकार से पूछना चाहता हूँ, मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, प्रशासन से पूछना चाहता हूँ। मैं आज या ये जो बात करने चाह रहा हूँ, हमारे पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, गए 3 महीने से हम न्याय के लिए भटक रहे हैं दर बदर। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, क्या दलित समाज में पैदा होना, दलित होना गुनाह है क्या? अगर दलित होना गुनाह है तो हमने कौन सा गुनाह किया? दलित में पैदा होकर हमने ऐसा क्या किया जो आज हमें न्याय नहीं मिल रहा? आज खोखदुर गांव, जो हमारा हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी से हम, हमारा पिताजी, हमारे दादाजी, हमारी खानदान सब वहाँ रहते आ रहे, आज हम वहाँ रहने गए, हम वहाँ रह रहे, तो वहाँ हमारे जगह पर वहाँ के कुछ गांव में के कुछ चार पांच लोग, जो जातिवाद के विचारधारा से चलने वाले कुछ लोगों ने आकर वहाँ पर, जैसे कि हमारे जो पायल शंकर जी है, जिन्हें हमें काका का हम उनको सम्मान करते हैं काका बोल के, उनके जो लड़के हैं बन्नी शरद जिनका नाम है, जिनको हम बड़ा भाई मानते हैं, तो उनके पास ये 3-4 लोग जाकर हमारे बारे में गलत कुछ बताकर नेगेटिव मैसेज उनके ऊपर भेज, उनके कानों पे वो डालकर उन्होंने हमारे बारे में विरोध कैसे करना बोल के उनको हमारे जगह पे, जहाँ पे खोखदुर गाँव है, जो जगह पे हमारा अस्तित्व है, जहाँ पर हमारे बाप दादा की खेती है, वो गांव में आकर उनको लेके आए और हमारे जो घर का काम चालू था, चालू काम में उनको लाकर एक पत्थर लाकर उसको कलर मार के वो भगवान के रूप में उनको वहाँ पे बैठा दी।
उनका कहना ऐसा है, क्या मुझे किसी को या किसी भगवान का, किसी धर्म का, किसी जाति का विरोध नहीं है। मैं भी चाहता हूँ मंदिर बने, भगवान बैठे, पर हर इसका कानून नियम होता है। किसी के घर पे बिना पूछे बिना कुछ किए अगर भगवान बैठाते होंगे तो ये कौन सा न्याय है, ये कौन से कानून में बैठता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आज 3 महीने हो रहा है ये बात को, मैं दर बदर भटक रहा हूँ। गांव का वातावरण वो 4-5 लोगों ने खराब कर दिया। गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे किसी से शिकवा नहीं, किसी से गिला नहीं। खोखदूर गांव के लोग पहले से बहुत अच्छे हैं, आज भी अच्छे हैं। कोई किसी से कोई दुश्मनी नहीं, कोई परेशानी नहीं है। सनावर को जगह है रहने, वो हमारे को नहीं है। हम क्या करें, कहाँ जाएं? आज 3 महीने होने के बाद भी न्याय नहीं मिल रहा, हम क्या करें बताइए। मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं प्रशासन से गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ तेलंगाना, मैं समाज से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे को न्याय मिला जाए। नहीं मिला अन्यथा आगे चलकर हम उपोषण पे बैठेंगे, हम आमरण उपोषण करेंगे और भीम आर्मी संविधान रक्षक दल के माध्यम से तेलंगाना स्टेट में नहीं, अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र और भारत देश के अलग अलग राज्यों में हम वहां जाकर हम मोर्चा निकालेंगे, धरना मांगेंगे, क्योंकि दलित को अन्याय अत्याचार हो रहा है। इस बात पर कुछ प्रशासन कर ही नहीं, क्या करे। कल जाकर हमें डर है, हमारे पे, हमारे परिवार पर जान लेने की नौबत आ चुकी है। आज हमारे पर कुछ अन्याय अत्याचार हो रहा है, आगे चलकर हमारे भी कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार कौन रहेंगे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, हम कहाँ जाए क्या करें। आज कोई व्यक्ति, आज वो गांव में ऐसा वातावरण चालू है, क्या वहाँ पे कुछ लोग है एससी समाज के, एसटी समाज के, ये समाज के लोगों को दो चार कर जो है, जो हमसे बात करते हैं, जो सच्चाई के राह पर चलते हैं, जो सच्ची बात करते हैं, उनको आज उनके घर में कोई नहीं जाना, उनको अपने घर में आने नहीं देना, उनसे कोई बात नहीं करना, उनको किसी प्रोग्राम में बुलाना नहीं, उसको कोई फैसिलिटी देना नहीं, उसके खेत में अगर ट्रैक्टर लगता होगा ट्रैक्टर नहीं देना, खेतों में कोई बैठाना नहीं, कोई किसी की दाढ़ी करना नहीं, ऐसा नियम लागू किए। ये कौन सा नियम है, क्या ये तेलंगाना स्टेट में छे या फिर ये राज्य अलग बना लिए इन्होंने, ये गांव तेलंगाना में नहीं है, अदर नियम लागू किए इन्होंने। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये इसका हमारे को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज ये जो वातावरण चल रहा है ये 2-4 लोगों से चल रहा है। आज खोखदूर गांव में बहुत अच्छे लोग है, मैं किसी का विरोध नहीं करना चाहता, फिर भी आज 3 महीने दर बदर भटक भटक कर आज ऐसा दिन आया है क्या, मुझे आपके सामने आकर ये 2 बात बताना पड़ रहा है, क्या मैं कहा करूँ कहा जाऊँ, हमारे पे न्याय अन्याय हो रहा है, हमारे पे न्याय मिलेगा नहीं मिलेगा। आज ये व्यक्ति जो है ये हमारे लिए जो ग्राम सेवा में, ग्राम पंचायत में जो ग्राम सेवा हुई थी वहां पे जो बात मीटिंग की है जातिवादी निर्माण करने की, इसमें हमारे को विरोधी बनाया जा रहा है, हमारे को जात के इससे देखा जा रहा है, हम नीची जात के इससे देखा जा रहा है, हम कहाँ जाए, कहाँ पर कौन से ऑफिस में जाके न्याय मांगे। आज घर के बाहर से हम जाने का जब निर्णय लेते हैं, हमारा गांव में हमारा खेत है, हम हमारे गांव में नहीं जा सकते, हम आज 2 महीना हो रहे हमारे खेत में नहीं जा सकते, क्योंकि हम घर से जब बाहर निकलते हैं तो हमारे पे कोई देख लेगा तो ये हमारे पे झूठे आरोप लगाना, हम दादागिरी कर रहे करके हमारे पे झूठे आरोप लगाना, हम लोगों को डरा रहे बोल के ऐसा झूठा आरोप लगाना, क्योंकि हमारी जो केस है आज तक वो केस पे हम जो कंप्लेन किए पुलिस स्टेशन में, जो कंप्लेन दर्ज किए उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और हम आज भी दर बदर भटक रहे हैं। गांव का वातावरण इतना खराब हो चुका है, गांव के जो 4-5 लोग है वो गांव का नाम बदनाम कर रहे हैं, गांव वाले से कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकवा नहीं है, फिर भी आज हम न्याय के लिए जा पर भी जाते हैं हमारे पे प्रेशर डाला जाता है, हमारे पे प्रशासन के तरफ से, हमारे को ऑफिशियल जा पर भी जाते हैं, तुम
तुम्हारा गुनाह, तुम क्या कर रहे हो, ये बोल के हमारे को दबाया जाता है, हमारा आवाज को, हमारे केस को दबाया जाता है। हम क्या करें? आज ये तेलंगाना सरकार बोलती है, मैं तेलंगाना सरकार को बोलना चाहता हूँ, मैं विनती करना चाहता हूँ तेलंगाना सरकार से, क्या तेलंगाना सरकार जो दलितों के लिए इतनी सारी फैसिलिटी दे रहे, इतने सारे योजना बना रहे, 3 एकड़ दलित के लिए दे रहे, दलित बंधु दे रहे, ये सब कुछ देने के बावजूद भी आज किसी दलित पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसको न्याय नहीं मिल रहा, ये कौन सा कानून, ये कौन सा नियम है? क्या दलित इंसान नहीं है? क्या दलित कोई जाति नहीं है? मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप दलितों के लिए इतने सारे योजना बनाए हैं, तो ये योजना में एक और योजना बढ़ाई दी जाए, उसमें जो कि दलितों पे अन्याय अत्याचार होता है, दलित दरबदर भटकते, उनको दलितों को न्याय कैसा मिले? आज एट्रोसिटी की केस डाले हुए 3 महीने में कंप्लेंट किया हो, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। आज गांव में इतना खराब माहौल चल रहा है, किसके वजह से? वो 3-4 लोगों के वजह से। आज कोई व्यक्ति अगर कोई बात करना चाहता है, ये सही है, गांव के लोग कहा जाएंगे? आज जो लोग विरोधी है, वो विरोधी लोग, उनके वहां पर या लोगों को रहने को जगह नहीं, इंसान को रहने को जगह नहीं है, हम दलित कहा जाएंगे? वहां उनके जो विरोध कर रहे हैं, जो लोग 4-5, उनके वहां बैल के कोटे है, जानवर के कोटे है। तो बोला क्या, गांव में गांव के दलित लोग है, गांव के लोग है, वो कहा जाएंगे? उनका यहाँ पे गांव है, खेत है, बाप दादा है, सब है, कहा जाएंगे? गांव में जानवर के लिए जगह है, पत्थर के लिए जगह है, मंदिर के लिए जगह है। मुझे विरोध नहीं किसी धर्म का, किसी मंदिर का, किसी भगवान का, फिर भी हम न्याय नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे? सच्ची बात ये, जब बोलने लगे तो इनके ऊपर अटैक हुआ, इनके ऊपर जातिवादी की भाषा इनके ऊपर की गई, इनको नीच जाति के हिसाब से देखा गया, निचले जाति के हिसाब से देखा गया। तो आज ये दिन कैसे आया? आज हमारे घर पे पत्थर, आधी रात में पत्थर गिर रहे, हम कंप्लेन कर रहे, तो भी हमारे को कुछ न्याय नहीं मिल रहा, हम क्या करें? अगर आगे चल के अगर हमारे ऊपर कुछ कम ज्यादा होता है, हमारे जान के ऊपर कुछ कम ज्यादा होता है, कोई हमारे पे अटैक करता है, इसकी जिम्मेदार कौन रहेंगे? हम ये प्रशासन को बोल के मैं बोलना चाहता हूँ कि हमें जल्द से जल्द न्याय दे, वरना हम आगे चल के हम न्याय के लिए ऊपर चढ़ के बैठेंगे।